देश की अथाह संपत्तियों को बेचकर भी बीजेपी की मोदी सरकार के दिल को सुकून नहीं है। आलम ये है कि उंगलियों पर बची खुची संपत्तियों को भी बेचने का खाका मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है। अब बिक्री का नंबर IDBI बैंक का है। IDBI बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48% है, जबकि LIC का हिस्सा 49.24% है। मोदी सरकार और जीवन बीमा निगम यानी LIC मिलकर IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। सरकार ने 7 अक्टूबर को IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की थी, यानी इस बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। खबरों के मुताबिक IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 7 बोलियां आई है। मोदी सरकार ने पहली बार 2016 की शुरुआत में IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का इरादा जाहिर किया था और सरकार इस दिशा में अब सीरियस होकर काम कर रही है। अपने चंद उद्योगपति मित्रों की जेब भरने के लिए मोदी सरकार ने सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश की आवाम को लाचार और मजबूर बनाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। रोजगार, सुरक्षा, कारोबार, महंगाई कम करने में तो मोदी सरकार पूरी तरह फेल है, लेकिन देश की संपत्ति को बेचने का काम इस सरकार ने बेहद लगन से किया है। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार ने 25 हवाई अड्डे, 400 रेलवे स्टेशन, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे, कोयले की बड़ी बड़ी खान की 160 परियोजनाएं, 210 लाख मीट्रिक टन क्षमता गोदाम से लेकर छोटी और बड़ी हर चीज को प्राइवेट करने की दिशा में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम किया है। विश्व पटल पर देश की तरक्की के लिए पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जिस शिद्दत के साथ भारत की शान बढ़ाती, एक से एक धरोहर को संजोया, बीजेपी उन्हें पलक झपकते बेच देना चाहती है। हर सड़क बिकेगी। देश को धर्म की अफीम में मदहोश कर जिन पूंजीपतियों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पर सत्ता में आई है, उन्हें सब बेच बाज कर चल देगी। मोनेटाइजेशन देश बेचने का ही षड्यंत्र है। सरकार एक कंफ्यूज राजनेताओं का समूह है जो ये तक नहीं सोच पा रहे हैं कि देश की तरक्की को आखिर दिशा कैसे दी जाए। मोदी सरकार इसी कार्यकाल में ऐसा काम करके जाएगी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां प्राइवेट सेक्टर की गुलाम बन जाएंगी। हम सब जानते हैं कि तेल तिलों से ही निकलता है। प्राइवेट कंपनियां जनता का ही तेल निकाल कर ठेके की रकम की वसूली कर रही हैं। अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाए भारत को मोदी सरकार अब चंद कारोबारियों का गुलाम बना देने पर आमादा है।